Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Syed Ashar and today we are going to work on a new sleeve variation. Before we start, I would like to request all of you to kindly please help this channel to reach more and more people. आप अपने दोस्तों में, अपने लोगों में इसको और फैलाइए, इसको शेयर कीजिए, जो भी सीखना चाहते हैं पैटर्न मेकिंग वगैरह, so that they can get benefited from this channel, and this is also going to support me as well, encourage me as well to make more and more videos. So I hope all those who are a regular viewer of this channel will definitely support me in this. So we will be making a petal sleeve today. आज हम लोग petal sleeve बनाने जा रहे हैं. इसको tulip sleeve भी कहते हैं, tulip sleeve भी कहते हैं. So first thing first, we have to trace our basic sleeve pattern. Okay. So सबसे पहले इसका एक छोटा सा स्केच बना ले हम लोग स्लीव के डिज़ाइन का. दिस इज़ हाउ अ पेटल स्लीव लुक्स लाइक. ऐसा दिखता है ये, इस तरीके से. कुछ लोग इसको पेटल स्लीव कहते हैं, कुछ लोग इसको ट्यूलिप स्लीव कहते हैं, और भी कोई नाम होगा, बट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द स्केच व्हाट दिस स्लीव इज़ अबाउट. सो इस स्लीव में एक्चुअली में दो लेयर होता है, ये ऊपर का एक लेयर और ये नीचे का दूसरा लेयर. ये दोनों जब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके रखा जाता है तो इस तरीके से एक पेटल सा लुक फॉर्म करता है, क्रिएट करता है. So we are going to start with the petal sleeve. First thing, we have to trace the sleeve. हम लोगों को पूरा sleeve नहीं trace करना है. We only need a upper portion of the sleeve. We only need to trace this much because petal sleeve बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है. If you want, you can increase the length. You can always do any variation you want. You are free to do that. But इन जनरल सिंपल में ये पेटल स्लीव छोटा होता है और इसको हम लोग छोटा ही बना रहे हैं. सो वी कैन सी कि हमारे पास दो लेयर पेपर है और हम इसको ट्रेस कर रहे हैं. इसको कट कर देना है. वाइल कटिंग इस बात का ध्यान रखना है कि आप दोनों लेयर को अच्छे से पकड़े रहिए, क्योंकि अगर मिसमैच हुआ और सही से नहीं हुआ तो ऊपर का लेयर और नीचे का लेयर का साइज डिफर कर जाएगा. यू कैन इवन स्टेपलर इट. आप स्टेपल करके इसको फिर कट कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा. ओके. सो दिस इज़ आवर ट्रेसिंग. अब हम लोगों को ये डिसाइड करना है कि साइड सीम से हम लोग कितना नीचे जाएंगे पेटल स्लीव की लेंथ के लिए. तो बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं हम, इसको लगभग 1 inches, yeah, हाँ 1 inches is fine, या 1 inches 2 blocks, that is fine. I am going to keep the length of this sleeve 1 inches 2 blocks. okay. हम इसका एक बार सेंटर मार्क कर ले रहे हैं डॉटेड लाइन से. क्योंकि हम चाहेंगे कि मेरे जो स्लीव का पेटल का ओवरलैपिंग कॉर्नर जो बन रहा हो, ये वाला हिस्सा ये सेंटर पे ही बने. ओके. वन थिंग मोर, ये हमारा बैक साइड है और ये हमारा फ्रंट साइड है. ओके. अब हम लोगों को सिंपली अपना पेटल का डिज़ाइन क्रिएट करना है. सो विल यूज़ अ फ्रेंच कर्व. I am doing it freehand. I think freehand is better. We will now highlight this. Okay, we are not going to design this part, we are going to trace this line on this side. वो हम लोग कैसे करेंगे वो अभी हम देख रहे हैं, इसलिए क्योंकि अगर हम इधर बनाते हैं फ्री हैंड तो कुछ ना कुछ डिफर आ ही जाएगा, डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि हम इसको हाफ फोल्ड कर दें, ट्रेसिंग व्हील लें और ट्रेसिंग व्हील से इसको हम लोग इस तरीके से ट्रेस कर सकते हैं। Okay. So now I don't know if it is visible in the camera or not, but now we are having a line over here. So we are going to draw this part. So we have both the parts. Now we are going to cut it. हम लोग अब किसी भी इस एक लाइन को ट्रेस कर लेंगे ताकि वो नीचे वाले हिस्से पर ट्रेस हो जाए। तो हम इसको पूरा पहले ट्रेस करेंगे अब। Okay. So we can see we have a line over here. Now I am going to cut. Okay, one thing more, I have to mark the center of the armhole. ये ज़रूरी है. So I am going to use a notcher और इस तरीके से सेंटर हमने मार्क कर दिया. Okay. Now I am going to cut any one from this the upper part of the sleeve. और जो दूसरा पार्ट करेंगे वो इस तरफ का करेंगे, नीचे की तरफ से. ओके, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. अगर समझ में नहीं आया होगा तो हम लोग एक दो बार और वीडियो का आप लोग देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा. नाउ वी आर गोइंग टू मैच सेंटर्स ऑफ बोथ द पार्ट ऑफ द स्लीव्स. इस तरह से मैच कर देंगे. ये पोर्शन आपका स्टिच हो जाएगा और ये पूरा का पूरा एक सिंगल स्लीव बन गया है जो कि आपके आर्म होल में अटैच हो जाएगा. ये एक ऐसा पेटल स्लीव जैसा लुक प्रोवाइड करेगा आप. सो दिस इज़ फ्रंट एंड दिस पोर्शन इज़ बैक साइड. इसका ध्यान रखना है, ये पोर्शन लूज़ रहेगा, खुला रहेगा. ऐसा नहीं कि हम लोग इसको यहाँ पर से स्टिच कर देंगे, यहाँ पर स्टिच नहीं करना है. ये खुला रहेगा ताकि पेटल का लुक प्रोवाइड करता रहे और थोड़ा सा फ्री रहे. ऊपर के हिस्से आर्म होल की तरफ से हम लोगों को डेफिनेटली स्टिच कर देना है. सो दिस इज़ इट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू मेक अ पेटल स्लीव. इसमें बहुत सारा वेरिएशन कर सकते हैं. इसको हम लोग लॉन्ग करके भी पेटल का फॉर्मेशन दे सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी. सो टिल नेक्स्ट वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप शेयरिंग. थैंक यू वेरी मच.